हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि अक्सर की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इफ एंड क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि इफ और किस कंडीशन में प्रयोग होता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इफ और। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, जिसमें लिखा है नेम, मार्क्स लिखा है और कंडीशन लिखी है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है अवॉर्ड। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन हमारा इफ एंड में था। तो इफ एंड में हमारी क्या कंडीशन थी, मार्क्स जो था 80 से ग्रेटर हो एंड कंडीशन पास हो। तो अवॉर्ड क्या हो जाए, यस अदरवाइज नो। इसमें क्या कंडीशन है, मार्क्स हमारा 80 से ज्यादा हो या कंडीशन हमारी पास हो। मतलब उसमें क्या था, मार्क्स भी 80 से ज्यादा हो और कंडीशन भी हमारी पास हो। इसमें क्या है, मार्क्स 80 से ज्यादा हो या कंडीशन पास हो, तो अवॉर्ड यस हो जाएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू इफ फिर टैब फिर और फिर टैब। अब देखिए, दो ठो लॉजिक पूछेगा, तो पहले कह देंगे मार्क्स ठीक इज ग्रेटर देन 80, कॉमा कर देंगे। लॉजिक टू पूछा है, तो लॉजिक टू में क्या, कंडीशन इज इक्वल टू पास। जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था क्लास में आप लोगों को कि ये टेक्स्ट है, तो इसको डबल कोट में लिखेंगे और फिर यहीं पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और खत्म हो जाएगा। अब पूछा वैल्यू इफ ट्रू, आपको क्या चाहिए, अगर ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उसको मार्क्स वाले में 80 से ज्यादा मिल जाए या फिर कंडीशन वाले में पास मिल जाए, तो वो क्या आंसर दे। तो हमने कहा यस, डबल कोट लिखेंगे और यस, कॉमा फिर डबल कोट और फिर नो और फिर इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और कंट्रोल इंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग इफ एंड की वीडियो में हमारे देखे होंगे कि जहां पे मार्क्स 80 से कम था पर पास भी था तो वहां नो था। ठीक है, पर यहां पे क्या है, मार्क्स 80 से कम है पर कंडीशन पास है, तो यस है अवॉल्ड। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक, इस कंडीशन में या इसमें से, दोनों में से एक भी अगर फुलफिल हो जाएगी ना दोस्तों, तो वो यस दे देगा, और अगर दोनों नहीं फुलफिल होगी तो क्या दे देगा, नो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इफ और। इफ और मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए, इफ एंड मतलब दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो तभी वो आंसर ट्रू देगा, और इफ और में दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।